अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जैक जो है ना हमारा, इसको हमने खाना पीना डाल दिया था, वो इसने खा लिया और ये अब मज़े से जो है ना सोफे पे बैठ के सो रहा है और अपनी नींदों पूरी कर रहा है। तो इसको यहीं पे सोने देते हैं और हम ऊपर चल के जो है वो ऊपर सेटअप पे देखते हैं कि क्या करना है ऊपर। तो गाइस हम ऊपर आ गए अपने सेटअप पे और पानी का कैन हमने भर लिया और अंदर जो है ना वो देख लेते हैं इनका जो है वो दाना पानी पूरा है कि नहीं। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बटेरों के चांसेस होते हैं बाहर निकलने के। वैसे यार तुम लोगों की बड़ी मौजें हैं, मैं बाहर खड़ा था केज के तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन केज के अंदर एंटर होने के बाद वाजे फ़र्क पता लगता है। रात को इनको मैंने कुछ रोटियां भिगो के डाली थी, थोड़ी बहुत खाई हैं, ज़्यादा नहीं खाई। दाना इनका है पड़ा हुआ, पानी गंदा हो चुका है तो पानी को फेंकने वाला। फिर देखिए मुर्गियां आई हुई हैं कबूतरों को देख रहे हैं, तो हम इसको नाली को साफ कर देते हैं अच्छे से इसी पानी से और फिर जो है ना इस पानी को गिरा देते हैं। पानी गिराने के लिए मैं ये ऐसे करता हूँ कि ये ले जी सीधा केज के बाहर फेंक देते हैं। नाली हमारी साफ हो चुकी है, अब फ्रेश पानी डाल देते हैं इसमें। नालियों में पानी रखने का एक मतलब तो ये भी है कि अगर ये इनमें से कोई नहाना चाहे ना तो वो नहा भी सकता। रात को जब मैं आया था ये दोनों जो हमारे लगे हैं ना ये इस डंडे के ऊपर बैठे हुए थे, इनको थोड़ी थोड़ी समय लगनी स्टार्ट हो गई है कि बैठने के लिए और भी जगहें हैं इनके पास। तो अब हम अपने चिकन कूप में चलते हैं, वहाँ चल के उनका दाना देखते हैं सही अमाउंट में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, फिर शाम को नया डाल लेंगे, वरना फिर एक गिलास उनको भी और डाल देते हैं दाना। एक दफ़ा आप दाने को खिलाएं ना तो लाजमी मुर्गियां देखने आती हैं कि क्या चीज़ हुई है, कोई नई चीज़ आई है खाने के लिए कि नहीं। अभी हम ये हमारे मुर्गियों की कनाली को कर देते हैं साफ। ये मुर्गियों का पानी भी फ्रेश जो है वो हमने डाल दिया। अब हम नीचे चलते हैं, आज का है ना वो इनका गुजारा हो जाएगा शाम तक इस खाने के साथ। तो गाइस आज जो है वो फिर बारिश आ गई है और मेरा सेटअप फिर से भीग जाएगा सारा। मुर्गियां साइड पे लग गई हैं, कबूतर भी साइड पे लग गए हैं, लक्के ऊपर बैठे हुए हैं, ये बटेर भी साइड पे सारे ठीक हैं। तो बारिश थोड़ी सी रुकती है तो फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। तो गाइस बारिश रुक चुकी है और हम ऊपर सेटअप पे आए हैं, मुर्गियां खाना खा रही हैं। अच्छा मुर्गियों वाले केज का ऐसा सीन है कि इधर पानी नहीं रुकता लेकिन इधर पानी रुक जाता, इसकी पता नहीं क्या वजह। इसका ड्रेन चेक कर लेते हैं, इसके ड्रेन के आगे ना बटेर बेसिकली बैठ के ना घोंसला सा बना लेते हैं, उसकी वजह से ना यहाँ पे ना पानी रुक जाता है और कुछ यहाँ पे ना वो मिट्टी सारी इकट्ठी कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ऊंचा हो जाता है और बाकी सारी जगह से नीचा होता है रेत, तो सारा पानी जो है ना अंदर रुक जाता है। वैसे ये सारे मसले तो तभी ख़त्म होंगे जब बेसिकली
हमारे फ्लेक्स लग जाएगी और चिखें लग जाएंगी, और वो काम हम तब तक नहीं करा सकते जब तक ये बारिशों का सिलसिला थोड़ा सा कम नहीं हो जाता। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस बारे में हम। गाइस, हम अपनी कैट को जो है ना इधर वॉशरूम में ले आए हैं। अब जो है ना इसको हम नहलाने लगे हैं। दावियार का मैं ले आया हूँ टीयर फ्री जो है शैम्पू सा, उससे इसको नहलाएंगे ताकि इसकी आंखों में चला भी जाए थोड़ा बहुत, तो इसकी बचत हो जाए। जब से ये आई है तो इसके ऊपर एक दो ऐसे गंदे स्पॉट से हैं और इसको नहलाया नहीं हमने, तो आज जो है ना इसको हम नहलाते हैं। ये तो बिल्कुल नहाने के मूड में लग नहीं थे, लेकिन हम इसको जो है ना नहला के छोड़ेंगे। चलो जैक स्टे, भाग के निकलने की कोशिश करते। डट्टी जुम्मे आज नहा लो तुम। ओह, ये तो बिल्कुल नहाने के मूड में नहीं। गिर जाओगे, क्या कर रहे हो? चलिए देखें, चेक करें जरा इसे, ये काम चेक करें जरा। मैं ना इसको शैम्पू लगा के ना फिर दोबारा वीडियो ऑन कर दूँ, ऐसे तो इसने भाग जाना है। तो इसमें मेरी वाइफ आ गई है, वो तो मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करने लगी है। मैं जब अकेला वीडियो बना रहा था इसने मुझे नाखून भी मार दिया। बिल्कुल नहाने के मूड में नहीं लग रही, बाहर ये बार रहा। अच्छा बस थोड़ा सा रह गया, जुम्मे ही नहा दिया करो तुम। डट्टी हो और तो है नहीं है, डट्टी मर्द। अच्छे से साफ कर देते हैं, गली पे भी रब कर देते हैं अच्छे से, कानों में इसके अंदर भी जो है ना अच्छे से साफ कर देते हैं। बाद में हम वाइप से जो है ना इसके कान दोबारा भी एक दफ़ा साफ करते हैं, फेस पे जो है ना हल्की सी मसाज कर देते हैं। चलो भाई, अच्छे से ड्राई हो जाता है तो इसकी मैं फाइनल आपको लुक दिखा दूंगा कि नहाने के बाद ये कैसे चमकता है। तो गाइस, ब्लो ड्राई हमने इसको काफ़ी किया है और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो है ना वो खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से एक रूप निकला है इसका। साफ सुथरे बाल हो गए सारे इसके, शाइन आ रही है इसके अंदर, टेल भी देख सकते हैं आप इसकी, माशाल्लाह से काफ़ी अब खूबसूरत लग रहा है और ज़्यादा। कैसे जैक हैं, नहाइयाँ कर ली? तो
गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।